नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको पता ही चल गया होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है। वैसे मैं ये बताने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है, वो आप सबको पता है। वाइल्ड फायर की तरह ये न्यूज फैल रही है। आकाश विश्वनाथ साहब ने मुझे दिन में ही मैसेज करके बता दिया था कि सर ये पोस्टपोन हो गया है, 10 अक्टूबर को है, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या अप्रोच रखें। फिर पंकज पांडे ने भी ये बोला कि सर सीएससी पोस्टपोन हो गया है, सीएबीएफ भी हो जाएगा क्या। देखिए अभी के लिए जो हालात चल रहे हैं सारे एग्जाम पोस्टपोन होते नजर आ रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में आप बात करो तो कुछ और लोगों के मैसेज आए, जैसे कि एक वैसे मेरे स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि सर क्या अगले साल का शेड्यूल भी इसकी वजह से बिगड़ जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में मैं आपको एक चीज बहुत कंफर्म बता देता हूं कि अगले साल का शेड्यूल बिगड़ने वाला नहीं है। यूपीएससी 10 अक्टूबर को अगर प्रीलिम्स करवाएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी दे देगा। इमीडिएट बेसिस पे आपका मेंस होगा और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के लिए जो डेट फिक्स की जाएगी ना वो जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग में ही फिक्स होने वाली है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगले साल का जो शेड्यूल है वो इस साल के पोस्टपोनमेंट की वजह से अफेक्ट होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी धीरे धीरे यूपीएससी से रिलेटेड जो न्यूज है वो मैं आपको बताता रहूंगा। एक बात यह है कि तैयारी के रिस्पेक्ट में मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहूंगा। मैं काफी खुश हूं कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया। रीजन बिंग दोस्तों की देखिये, काफी सिलेबस मेरे एंड से भी बचा हुआ है। मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे खत्म करूं और मैं थोड़ा खुश हूं। मेरा क्या है ना कि आपने देखा होगा कि कभी कभी एकदम से वीडियो आती है, दिन में 8-8, 10-10 आ जाती है, कभी कभी रुक जाते हैं। देखिए मेरे को भी प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल पर्सन हूं। फिर ज्यादा बोलने की वजह से कभी कभी मेरे थ्रोट में दर्द होने लगता है तो मुझे उसके लिए गैप लेना पड़ता है। ठीक है, बीच में एक दो बार डॉक्टर को भी दिखाना पड़ गया, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जो मेरी वीडियो की अपलोड स्पीड है वो भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, और साथ साथ में मेरी वीडियोज की एवरेज लेंथ होती है, चाहे वो एडिटोरियल हो, करंट अफेयर्स हो, एनसीआरटी वीडियोज, रमेश सिंह की वीडियोज हो, पॉलिटिक वीडियो, वो भी ज्यादा होती है। तो ज्यादा बोलने की वजह से नेचुरली टीचर्स में प्रॉब्लम आई जाती है, थोड़ी बहुत मेरे को भी आती है। तो इसलिए मुझे कभी कभी लेक्चर्स बनाने के बीच में थोड़ा गैप लेना पड़ता है। कभी कभी मेरे बोलने के तरीके से भी आपको लग जाता होगा कि थोड़ा सा मैं गैप ले रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट थ्रोट प्रॉब्लम। तो इन दैट केस जब मेरे को प्रॉब्लम होती है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है, खासकर जो लंबी वीडियोज होती है एनसीआरटी की, 40 मिनट की, 30 मिनट की, रमेश सिंह की कम से कम 25-30 मिनट की, उन वीडियोस में खासा कर थोड़ा गैप लग जाता है। बट आप चिंता मत करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बीच बीच में एक एक दो दो दिन आके मैं खट्टे दम से वीडियो डालूंगा। ओके, जैसे कि अभी रमेश सिंह की कुछ दिन पहले 5-6-7 वीडियोस लगातार अपलोड हुई थी, एकदम से ये लगातार अपलोड होंगी। मैं थोड़ा बैलेंस पे लेके चल रहा हूँ चीजें, थोड़ा ठीक है ना, हेल्थ को भी बैलेंस पे रख के चलता हूँ, नहीं तो और प्रॉब्लम होगी। और इस रिस्पेक्ट में थोड़ी खुशी इस बात की भी है कि भाई प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा इफेक्टिवली आपके साथ सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। मुझे पता है कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी हैं, ज्योग्राफी 11th 12th की एनसीईआरटी बची है, मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं रमेश सिंह की इंपॉर्टेंस, सतीश चंद्रा की इंपॉर्टेंस, भाई मुझे सब मालूम है। अगर मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है तो कहीं ना कहीं मुझे पता है आप लोग की डिमांड है। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, जो भी मैं वीडियोज बनाता हूँ देखते रहिए, जो आपने अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना रखी है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रही है वहां से भी पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई और टीचर अच्छा लगता है वहां से भी पढ़ते रहिए, जो मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ वो भी अपडेट मैं आपको देता ही रहूंगा। बाकी आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं इनको छोटी छोटी वीडियोस बना के बना देता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, आपका भी इंगेजमेंट मिल जाता है तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस पढ़ते रहिए, ये एक मौका मिला है जो सिविल सर्विस का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। समझ लीजिए कि निगेटिविटी के बीच में पॉजिटिविटी की न्यूज है, भाई लग जाइए जबरदस्त तरीके से, फोड़ देना है पेपर, कोई कसर मत छोड़िएगा, समझ गए। ऑल द बेस्ट।